रादौर में बिजली निगम में सीएम फ्लाइंग की दस्तक से हड़कंप मच गया है। लगातार मिल रही शिकायत पर जांच करने पहुंची सीएम फ्लाइंग ने बिजली निगम की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है। दरअसल बीते दिनों आई तेज आंधी में कई जगहों पर ट्रांसफार्मर और खंभे गिर गए थे, जिसकी बिजली विभाग ने न तो समय रहते उन खंभों की रिपेयरिंग की, बल्कि ग्रामीणों के खर्च पर ठीक कराए गए खंभों का एस्टीमेट भी विभाग के खर्चे में शामिल कर दिया। विभाग के कर्मचारियों के इस लापरवाही को लेकर जांच अधिकारी सख्त दिखाई दिए और आगामी कार्रवाई की बात कही। बिजली बोर्ड दफ्तर का औचित निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ एस्टीमेट चेक किए गए, जो एस्टीमेटों के अनुसार मौके पर जाकर चेक किया तो वहां पर कुछ ट्रांसफार्म लगे पाए जिनका एस्टीमेट बिजली बोर्ड द्वारा बनाया गया है, और कुछ ट्रांसफार्म खराब पाए और खंभे टूटे पाए। जो ट्रांसफार्म ठीक करवाकर लगवाए गए हैं वो किसानों द्वारा अपने खर्चे पर लगवाए गए हैं, जबकि बिजली बोर्ड के द्वारा उनका एस्टीमेट बनाकर आगे भेजा हुआ है। इस बारे में अफसरान वालों को बताकर आगामी कार्रवाई हम लोग। दूसरे की प्रॉपर्टी पर दूसरे के नाम कनेक्शन जारी किया गया है, इसकी जांच का विषय है। इसकी जांच उपरांत सीनियर अफसरान वाला से आदेश प्राप्त करके कार्रवाई के लिए लिखा जाए। कुलदीप सैनी ज्यादा जानकारी के साथ रादौर से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, देखिए रादौर में बिजली निगम की लापरवाही जो है देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि जो आंधी के समय जो खंभे टूटे थे उनका एस्टीमेट जो है बिजली विभाग ने दिया है, लेकिन वो जो खंभे सही कराए गए हैं वो ग्रामीणों की तरफ से कराए गए हैं। देखिए सविता, आपको बता दूंगी कि कल जो है सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है बिजली निगम कार्यालय में जो है निरीक्षण किया था औचक, और उस दौरान जो है इनको शिकायतें मिल रही थी काफी लंबे कि कुछ भी पिछले दिनों जो है आंधी तूफान जो आई थी उसमें काफी खंभे और जो ट्रांसफर है वो लापरवाही हो गए थे। तो उसके बाद जो है जो किसान थे लगातार बिजली निगम के कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, तो उससे परेशान होकर जो है कुछ जो किसान थे उन्होंने अपने खर्चे पर, जैसा हमें सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने खर्चे पर जो है काफी जो है ट्रांसफार्मर और खंभे जो है वो दुरुस्त करा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर अगर हमने जो चेक किया तो जो जेई है संबंधित जो कर्मचारी है बिजली निगम के, तो उनके द्वारा जो है एस्टीमेट उसके भी तैयार किए गए थे जो कि किसानों द्वारा अपने खर्चे पर बना दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में बिजली निगम के कर्मचारी हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि जांच का विषय है। इसके अलावा भी जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने बताया कि एक फाइल ऐसी भी यहाँ पर मिली है कि किसी व्यक्ति के दूसरी जगह पर जमीन के नाम पर कनेक्शन बिजली का दिया गया, वो भी जांच का विषय है। अब देखना ये होगा कि बिजली जो सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो आगामी क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बिजली निगम के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही है कि किसान, एक तरफ सरकार जो है किसानों को राहत देने की बात कर रही है, लेकिन जिस प्रकार किसान कितने परेशान हुए क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे पर जो है इस प्रकार का रिस्क लिया। और जो ये शिकायत है, जिस तरीके की शिकायतें दी जा रही है, ये किसके द्वारा, ये ग्रामीणों के द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि जिस तरीके से एस्टिमेट दिया गया है ग्रामीणों ने ही जो खंभे टूटे हैं ट्रांसफार्मर टूटे हैं उनको सही करवाया है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लगातार किसानों द्वारा इस प्रकार की शिकायतें जो है सीएम फ्लाइंग के पास पहुंच रही थी, तो उसी के मद्देनजर जो है कल उन्होंने यहाँ पर ये निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान ये खामियां हैं वो पाई गई हैं। चलिए बेहद शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए रादौर में बिजली निगम की लापरवाही जो है उजागर हुई है। सीएम फ्लाइंग की जांच में ये खुलासा हुआ। बिजली विभाग ने फर्जी स्टेटमेंट तैयार किया। तेज आंधी में जो खंभे और ट्रांसफार्मर टूटे थे ग्रामीणों ने अपने खर्चे पर उसे ठीक कराया है, और फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।